शॉप में है ये कर्नाटक से एक ट्रक प्रो बी से 65 XP जिसका स्टार्टिंग का इशू है। गाड़ी लगभग 2,07,000 किलोमीटर चला है और ये गाड़ी का स्टार्टिंग का इशू है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। जब हमने इसका डायग्नोस्टिक किया, पूरा चेकअप किया, तो हमें पता चला कि इसके जो हेड के वॉल है, कैम के जो कैप है वो टूट गए हैं। इसके वजह से अंदर के कैम को पूरा मार लग गया है, कैम हेड पूरा इसका आउट हो गया है। तो उसे हमने पुराना हेड निकाल दिया है और नया हेड हम फिट कर रहे हैं। इसमें नया हेड ये बैठता है, हेड रिपेयर नहीं होता, इसका एल्युमिनियम का हेड रहता है, उसके वजह से हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपने अभी इसका नया हेड बिठा दिया है और उसको टॉर्क मार रहे हैं। अच्छे से टॉर्क मारने के बाद इसका फिटिंग हो रहा है, पूरा फिटिंग करना है इसका अच्छे से। ये चेन वाला इंजन है, इसको दो कैम एग्जॉस्ट और इनलेट दो कैम रहते हैं, एक गियर रहता है और ये पूरा चेन वाला इंजन रहता है। ये छोटा गाड़ी है, इसको चेन वाला इंजन रहता है। अब इसके जो 16 चले रहे थे वो बिठा रहे, उसके बाद उसका फिटिंग हो रहा है। दो कैम बिठा है, इनलेट कैम और एग्जॉस्ट कैम। तो कैम बिठा है, फिटिंग चल रहा है अभी दो कैम का। अच्छे से फिटिंग हो रहा है अभी। उसके बाद ये चेन लगा दिया है, चेन लगा के उसको पूरा टेंशन दे देंगे। और ये है टाइमिंग, इसका चेन का टाइमिंग है, पूरा टाइम लगाने पड़ता है टाइमिंग। तांबे वाला ऊपर रहता है और जो बाजू के गियर है उसमें खाच रहती है, उसका पूरा टाइमिंग लेना पड़ता है। नीचे एक तांबे का चेन रहता है, वो उसको भी मार्किंग किया रहता है, जो पूरा टाइमिंग लेना पड़ता है तभी गाड़ी चालू होगा आपको, नहीं तो फिर से कैम टूट जाएगा। ये देखो टाइमिंग, कहाँ कहाँ से टाइमिंग लेने का, कहाँ कहाँ का सेम आना चाहिए, सब में टाइमिंग बराबर लेना चाहिए, नहीं तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। और ये फिटिंग हो गया है पूरा। अब इसके बाद रेडिएटर इंटरकूलर बैठेगा और टैपेट कवर बैठेगा, ऊपर का नोजल लगा के टैपेट कवर बैठेगा इसके। ये देखो सब बैठ गया है। और इसके बाद रेडिएटर इंटरकूलर बैठेगा और फैन बेल्ट लग जाएगी। साइड का पूरा पैकिंग हो गया है, इसका फिटिंग हो गया है अच्छे से। देखो अभी ये मेन पुल्ली है, इसको फिट कर रहे, अच्छे से फिट करना पड़ता है इसको। ये देखो टैपेट भी बैठ गया है इसका, कैपिट और साइड वाला पैकिंग बिठा के, उसको नोजल बिठा के अच्छे से गाड़ी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे गाड़ी चालू होता है कि नहीं। देखो पूरा कैपिट फिट हो गया अच्छे से, अभी रेडिएटर इंटरकूलर बैठेगा और गाड़ी चालू करके हम देख लेंगे। और ये हमारा गाड़ी चालू हो गया है, देख सकते हैं आप।